हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए मार्केट लीडर, जरा समझें, मतलब जिस मार्केट जिस इंडस्ट्री में कोई स्टॉक काम कर रहा है और उसका लीडर है, तो हर किसी की नज़र उस स्टॉक पे रहती है। हर कोई चाहता है, हाँ भाई ये स्टॉक जो है, ये कंपनी टॉप की है भाई, इसका शेयर खरीदना चाहिए। जरा सोचो, जरा देखो, इसे कमाल का शेयर है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आया था, ये शेयर भी काफी सस्ते दामों में, यानी कि आधी प्राइसिंग पे आपको मिलने लग गया था। अब स्टॉक में रिवर्सल आया है। रिवर्सल मैं ऑलरेडी आपको जनवरी के महीने में बता चुका हूँ, ये तो फरवरी आ चुका है कि स्टॉक में रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। वो जनवरी के महीने का वीडियो अगर आप देखोगे स्टॉक के बारे में, वो उसमें मैं आपको बताया था। लेकिन अब स्टॉक में एक पॉजिटिविटी, एक नई जान आई है। लेकिन उस नई जान को, पुराने वीडियो को भी रिव्यू करते हैं और इसको देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में भाई, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे सारा समझेंगे, बिल्कुल ना के बराबर की मात्र ऐसी फीस रखी गई है उसमें, कुछ भी। और ऑन रिक्वेस्ट, मतलब बहुत सारे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी, इसीलिए वो सीरीज स्टार्ट की गई है। ऑल दो मैं आपको सारी वीडियोस में टेक्निकल कंप्लीटली एंड टू एंड बताया करता हूँ हर स्टॉक के। अब इस स्टॉक को देखते हैं और इस स्टॉक को जरा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बात हम कर रहे हैं जिस स्टॉक की, 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 260 का प्राइस, 42 का पी रेशियो, कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का डेट भी है। देखिए पूरे एंड टू एंड चीजें बताई जाती हैं यहाँ पे। 30% का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का एवरेज, जबरदस्त। 9-10% का सेल्स ग्रोथ, 6% शेयर्स गिरवी भी रखे हुए हैं। देखिए कंपनी का नाम देख लेते हैं पहले, फिर बाकी बात है बाद में करेंगे। देखिए कंपनी का नाम है असाही इंडिया ग्लास। असाही इंडिया ग्लास यानी कि ग्लास की दुनिया का चैंपियन शेयर। जहां पे आपने सुना होगा, अगर आप बचपन में जब साइंस वाइंस के लैब्स में जाते थे तो बोरोसिल ग्लास का नाम आता था। अभी कुछ टाइम पहले एक बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ला उपाला आरजी के शेयर को खरीदा है, बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने। ये छोटे दूसरे नंबर का प्लेयर है, बोरोसिल ग्लास तीसरे नंबर का प्लेयर है। ये तीनों जो है ग्लास सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें सबसे टॉप का शेयर है असाही इंडिया ग्लास। देखिए अब इसीलिए हम इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल की बात करूँ तो देखिए किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट, बीच में लॉसेस भी दिखाए थे लेकिन उसके बाद प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। अभी पिछले 12 महीने का प्रॉफिट कम था, स्टॉक में करेक्शन की भी मार झेली है, अब स्टॉक रिवाइव कर रहा है। जरा मैं आपको रिव्यू कराता हूँ, आपको जनवरी 10 का वो वीडियो, ये देखिए मार्केट लीडर शेयर जिसमें हो रहा है ट्रेंड रिवर्सल, बहुत काम आएगा आपके। ये जनवरी 10 का वो वीडियो है जब हमें ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा था। और अगर आप देखें इस स्टॉक में, जब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में देखिए टेक्निकल एनालिसिस में पूरा आपको बताता हूँ, ये जनवरी 10 का वीडियो है। और आप इसको देखिए, इस लेवल पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दिखाया था हाई लो लो हाई की सीरीज। और इस स्टॉक को अगर आप देखोगे, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। उस टाइम का प्राइस देखिए 210-15 के आसपास का प्राइस था, जब ये स्टॉक रेंज को पार करते हुए एक पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा था। देखिए बिल्कुल जनवरी 10 यानी कि आज से एक सवा महीने पहले की बात है, उस टाइम पे 200-225 के आसपास शेयर था। और आज की डेट में आप देखिए कहाँ ये शेयर पहुंच चुका है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये मान के चलिए कि 10% से तो ऊपर उछल ही चुका है, मैं कहूँगा 20% उछल चुका है एक महीने के अंदर। ये बेसिक चीज़ें ये आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद चार्ट को ऑब्जर्व करना सीखोगे, जरा समझे, जब ये तभी सीख पाओगे जब आप खुद चार्ट को ऑब्जर्व करना सीखोगे, समझना सीखोगे। ये किसी की टिप के थ्रू आपके दिमाग में नहीं जाएगा। टिप क्या होती है, बस आपने देखा भाई शेयर को इस प्राइस पे खरीद लो, ये क्या हो जाती है, टिप हो जाती है। लेकिन जब आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये भी पता लगेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, मैं ये शेयर को क्यों खरीद रहा हूँ, अब इसको पार करेगा तो मैं तब खरीदूंगा। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्लियर कट। अब मैं फिर से आपको लेके जा रहा हूँ टेक्निकल के उसी वीडियो में, देखिए जरा कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं आपको चार टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूंगा। नो डाउट बहुत ही जबरदस्त शेयर है, 2003 के बाद जंप आया था, 2008-09 में फिर गिरावट आई थी, फिर जंप आया था, फिर करेक्शन आया था। और 2014 से पहले ये स्टॉक 30 रुपये का था, और 30 रुपये से सीधे 420 का सफ़र, 420 से सीधे गिर के वापस 170 तक का सफ़र इसने तय किया। 170 का सफ़र तय करने के बाद आप देखिए, ये अक्टूबर का महीना जंप, 2 महीने करेक्शन, फिर अगले महीने जनवरी जंप, फरवरी जंप, भाई जंप ही जंप है और क्या है, अब बेस बन चुका है। और ऐसा जंप इससे पहले आप देखिए, जब से गिरावट आई थी कभी ऐसे जंप देखने को नहीं मिले थे कि तीन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, बहुत ही बढ़िया बात भाई। अब शेयर को और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें समझाई जाती है ताकि आप समझ पाओ, फायदा ले पाओ। और पैसा कमाना तो बाद की बात है, पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन समझना एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं कहूँगा समझना ज़्यादा जरूरी है, वो तो फिर बाद में सेकेंडरी थिंग्स है। अब ये देखिए 2000
18 से पहले ही सितंबर से इसमें बड़ी करेक्शन आ गई थी। इन वीक्स में आप देख सकते हो स्टॉक ने देखिए बॉटम बनाया, बॉटम टूटा, अगला अगला लो बनाया, अगला लो टूटा, शेयर और नीचे आया, ये वाला बेस बनाया, ये बेस भी टूटा, शेयर काफ़ी नीचे आ गया। लेकिन अक्टूबर सितंबर के टाइम फ्रेम पे आप देखिए शेयर ने एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली। अब देखिए अब धीरे धीरे आपकी रेंज जो है वो चेंज होती जा रही है। अब मैं आपको फिर से इसके इस रिवर्सल को दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल बॉटम बन चुका है, बॉटम 170 के लेवल पे बना है, ये रेंज बन चुकी है, देखिए ये रेंज टूटी है, ये रेंज टूटते हुए देखिए फिर से पॉजिटिव बनी है, नई रेंज बनी है जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट हुआ है 200 के लेवल से। ये जनवरी के टाइम फ्रेम में जब वीडियो बनाया था इस रेंज में ये स्टॉक था, उसके बाद स्टॉक में बड़ा जंप आता है और स्टॉक आज की डेट में यहाँ पे नए लेवल पे पहुंच चुका है। अब इस स्टॉक को देखिए, अब आप कहोगे अगले लेवल कौन से जहाँ पे खरीदारी की जाए। अब दिमाग में आता है भाई खरीदारी की जाए, ये आता है कि हमको भाई सीधे प्राइस ही बता दो। तो देखिए अगले लेवल कौन से है, अगर आप चार्ट को खोलोगे तो अगर आपने बेसिक टेक्निकल समझा है तो आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई हमारा यहाँ पे कोई बड़ी बड़े टर्म्स तो होते नहीं है, सिंपल सिंपल होते हैं। मैं पहले भी यही इस वीडियो में यही बताया था, मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ आपको डाउन ट्रेंड ये होता है, अप ट्रेंड ये होता है। अप ट्रेंड में अगर आप खरीदारी करते हो तो आपको चीज़ें होनी चाहिए कि आपका करेक्शन जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए, हायर हाई बनना चाहिए, हायर लो बनना चाहिए, तभी आपको खरीदारी करनी है। अब आप देखिए वीकली चार्ट में आप देख पा रहे हो स्टॉक में किस तरीके से करेक्शन आई थी, जरा समझने की कोशिश कीजिए, आपको हर एंट्री लेवल अपना समझ में आ जाएगा। देखिए इस स्टॉक में देखिए यहाँ से स्टॉक नीचे गिरता है, देखिए मैं आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूँ नीचे आता है, ये वाला इसका हाई पॉइंट यहाँ पर था, और नीचे आता है फिर एक हाई पॉइंट ये बनता है, और नीचे यहाँ पे आता है तो देखिए हाई पॉइंट ये बनता है, और नीचे आता है देखिए उसके बाद ये लो बनने के बाद हाई बना है, लो बना है, हाई बना है, और अगला देखिए इस पॉइंट पे इसने वापस देखिए सपोर्ट लिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये हाई ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, पॉजिटिव बात है। थोड़ा और डिफेंसिव मोड में आते हो, थोड़ा और सोचना चाहते हो स्टॉक के बारे में, तो आपके लिए ये लेवल है, देखिए ये वाला लेवल जो लास्ट हाई इसका है यानी कि 280-285 का लेवल है भाई, ये पार हो जाए और अच्छी बात है। अब देखिए स्टॉक में ये जब ऊपर को मूव करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्टिकल करेगा, ऊपर को मूव कोई भी स्टॉक करता है आप देखिए भाई ऊपर आता है या नीचे आता है, जिग जैग तो होता ही है स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल स्ट्रेट तो होता नहीं है। तो यही चीज़ें आपको समझनी है, कहीं पे जिग जैग नहीं हो रहा, वीकली सीधे जंप कर रहा, तो डेली में कूदिए, डेली में कूद के समझिए कि क्या हो रहा है। ये आपको इतनी बेसिक इतनी डिटेल से चीज़ें समझाई जा रही है। देखिए ये रहा अभी डेली में आ गए हम, डेली में देखिए जब लास्ट वीडियो बनाया गया था तो इस टाइम पे ये शेयर 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के साथ साथ मैंने हमेशा आपको कहा कि भाई 200 डे मूविंग एवरेज अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा जब यहाँ पे प्राइस पार होगा तभी हम भी पार होंगे, मतलब समझ रहे हो, ये लक्ष्मण रेखा मान के चलिए भाई इसको पार होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे 213 का प्राइस था जब ये जनवरी में वीडियो बनाया गया था और बढ़िया जंप आया था, उसके बाद आप देख लीजिए कितना बेहतरीन जंप। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक में आज की डेट में भी बड़ा जंप आया, बट मैं चाहता हूं कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो आपका ये जो करेक्टिव फेज है ये रिजॉल्व होना जरूरी है। जो करेक्टिव फेज मुझे 278 का लेवल लग रहा है, ऑल दो आप एंट्री कर सकते हो, ये देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, ये करेक्टिव फेज रिजॉल्व होना जरूरी है, लेकिन उससे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपका 200 ये वाला लेवल पार होना जरूरी है। आप देखिए ये लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके साथ साथ आपका काफ़ी रिस्क खत्म हो जाएगा, काफ़ी रिस्क मैं कहूँगा। देखिए स्टॉक जंप लिया, करेक्शन आया, जंप लिया, करेक्शन आया, अब देखिए अगले जंप की बारी है, इस लेवल पे कंसोलिडेट करे कहीं पे, थोड़ा आपको ज्वाइंट कैंडल देखने को मिले, तो यही तो एक पहचान होती है शेयर की। यही चीज़ मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इस रेंज के ब्रेक को देख सकते हो कि रेंज ब्रेक हुआ, रेंज से पहले ही यहाँ पे करेक्शन आ गया था यानी कि कंसोलिडेशन हो गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी कोई रेंज ब्रेक हो रही है, कभी भी ब्रेकआउट कहीं पर आ रहा है, तो हमेशा कहता हूँ कि इस रेंज ब्रेकआउट से या तो पहले आपको करेक्शन मिले या बाद में करेक्शन मिले, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आप असाही इंडिया के शेयर को पूरे टेक्निकल फ्रंट पे देख पा रहे हो, समझने की कोशिश कर पा रहे हो, देखिए टेक्निकल फ्रंट पे और कहा कितना इंपॉर्टेंट ये शेयर है। देखिए मार्केट लीडर है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और स्टॉक में बड़ा जंप भी आया है। आप एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा, बॉटम पे बड़ी खरीदारी होती है, बड़ा प्लेयर जब मार्केट में एंटर करता है तो साथ के साथ बेचता भी है। 16 अक्टूबर में किसी बड़े प्लेयर ने बहुत ही बड़ी खरीदारी की थी और आप देख सकते हो ऐसे बड़े वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये देखिए किसी बड़े प्लेयर ने बहुत जबरदस्त खरीदारी की थी और कोई बड़ा प्लेयर धीरे धीरे करके इसमें टाइम टू टाइम बेसिस पे खरीदारी करते जा रहा है, ये देखिए आप। तो यही चीज आपको समझनी है टेक्निकल के थ्रू, ये सारा क्लियर कट आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा, और इस तरीके से मैं जो आपको वीडियोस दिखाता हूं उसको एंड टू एंड देखा कीजिए, तभी आप मतलब ऐसा कि टेक्निकल को स्टॉक को एनालाइज कर पाओगे। और दूसरी चीज,
अपने एंड पे भी आप प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए इन स्टॉक्स का, कि कैसे मैं इसको एनालाइज करूं, क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे देखनी है, क्या मेरा डाउन ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो हायर हाई हायर लो की जो सीरीज है वो समझनी है, रेंज कहाँ पे चल रही है, स्टॉक किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, वो अगर आप बेसिक समझने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करोगे खुद सेल्फ मैं कहूँगा, तो वो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप खुद डिसीजन ले पाओगे, हाँ भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप स्क्रैच से सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।